हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियंका कुमार रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। एक बार जोरदार स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के अपने इस कृषि कार्यक्रम में, जिसका नाम है किसमें कितना हदम सीजन 3। इस सीजन के अंदर अपन अभी तक अपन ने जो क्लासेस में है वो सारे क्वेश्चंस है, क्विज है, वो अपन कर रहे थे। आज की क्लासेस में आपके कहने पर मैंने एक नया कुछ किया है, नया जैसे अपन बात करें कि इससे रिलेटेड हर बार 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जेट एग्जाम में बात करें या अदर एग्जाम में बात करें, अपन उन सभी एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें जो साइंटिफिक नेम होते हैं वहां से पूछा जाता है। एक आपके हॉर्टिकल्चर से आता है, दूसरा आपके एग्रोनॉमी से आता है, तीसरा आपके एनिमल हस्बेंड्री से आता है। तो इन तीनों से रिलेटेड जो है वो वनस्पतिक नाम है, इनके जो साइंटिफिक नेम है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास है अपनी एग्रोनॉमी की, जो क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स है एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। विकास पाल यूपी से बहुत बहुत स्वागत है, मिस्टर विक्की फतेह चंद। इसके अलावा नरकुल है, एसएस स्टूडियो है, नीलेश है, नारायण है, वेरी गुड इवनिंग। बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा से राजेश जामोर का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह दीक्षा है, इसके अलावा लेखराज हैं, प्रमोद नागर डोकुन बूंदी से बहुत बहुत स्वागत। नागौर से पेमा राम है, गौतम कुमार बाड़मेर से। इसके अलावा हीरा लाल मीना, मैम आज कोई कृषि प्रवेक्षक का ऑफर निकालो। अच्छा, आज ही निकालें, 100K हो गया। 100K तो बेटा पहले ही हो गया था, लेकिन आज जो है वो अपन ने जो पोस्ट है वो डाली थी, बाकी काफ़ी टाइम से जो है वो 100K हो गया था। अपना जो है वो कुछ दिन पहले ही यूट्यूब का बटन आया है, तो इसके लिए अपनी पोस्ट अभी डाली थी। हाँ, चलिए, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। दोसा से, हनुमानगढ़ से, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के इस मोटिवेशनल कोर्स से शुरू करते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए आज का कोट है, खुद पर तू कर यकीन, खुद पर तो कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना तो हताश हो, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। इसी के साथ, इसी उत्साह के साथ आज की क्लास को शुरू करें। क्लास को शुरू करें उससे पहले संस्थान के द्वारा लिए जाने वाले डेली स्कॉलरशिप टेस्ट के जो विजेता है, जो विनर है, उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 24 तारीख का जो स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट है, उसमें कुलदीप मीणा है, फर्स्ट रैंकर है। बहुत बहुत बधाई हो कुलदीप, आपको विनर है आज के, सॉरी ये 24 तारीख के विनर है, कल के विनर है कुलदीप मीणा। इसके अलावा लीलाधर सुमन सेकंड रैंकर हैं, प्रमोद नागर, श्रवण, इसके अलावा दयाराम, दिलराज नागर, सियाराम मीणा, विपुल, मनराज और बाबूलाल जाखड़। ये सभी स्टूडेंट हैं, टॉप 10 स्टूडेंट हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके से लगातार आप जो है वो टेस्ट देते रहिए, रैंक लाते रहिए और फ्री में कोर्स प्राप्त करते रहिए। आगे अपन बात करते हैं आज के जो टेस्ट रिजल्ट है उसके बारे में। अज्जू, सियाराम और देवीलाल, ये तीनों की बराबर की टक्कर रही है और तीनों के सेम मार्क्स आए हैं। तीनों में टॉपर कौन होगा ये अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन टॉप 10 की बात कर लेते हैं। तो तुलसीराम है, दिलराज नागर हैं, अर्जुन राज पुरोहित हैं, अरविंद मेहता हैं, इसके अलावा मनीष बिजोलिया है, नरेश कुमार है और नेहा है। ये टॉप 10 स्टूडेंट है। अब अपन टॉपर की जो है वो अपन देखते हैं कि कौन आज का टॉपर है। तो ये तीनों स्टूडेंट के नाम की स्लिप यहाँ पर रखी गई है, 3 स्लिप है क्योंकि 3 जो है वो सेम रैंकर हैं। तो मैं इसमें से एक जो है वो स्लिप आप लोगों के सामने यहाँ पर उठा लेती हूँ। तो इसमें अपन देखते हैं आज के टॉपर्स के बारे में। देखिए कल की PDF, कल तो बेटा जो है वो अपना जो संडे का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम चल रहा था, तो कल अपनी क्लास नहीं हुई थी। आज की क्लास है वो अपनी चल रही है और परसों की PDF डल गई होगी। चलिए आज के टॉपर हैं देवलाल नागर। देवलाल नागर बहुत बहुत बधाई हो आपको। देवीलाल नागर हैं, ये 3rd नंबर पर हैं। इन ये आज के विनर हैं, देवीलाल विनर आज के हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, संस्थान की तरफ से आपको एक कोर्स है वो फ्री में दिया जाएगा। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन अच्छे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए हैं, जहाँ से आपका 101% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री तो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, तो इनके बेसिक जानकारी, जैसे इनके क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, दूसरा इनकी फैमिली क्या होती है,
क्या क्या इनका यूज होता है, कैसे दिखाई देते हैं, किस तरह से इनके बीज होते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो मक्का के बीजों को बाजरे का दाना कह दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खेत में, जो फील्ड में नहीं जा पाते हैं और सारी क्रॉप्स को नहीं देख पाते हैं, तो उसी को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने ये एक क्लास लेकर आई हूँ, जिसके अंदर अपन सभी फसलों की जो क्रॉप्स हैं उनको देखेंगे, दूसरा उनके दाने कैसे दिखाई देते हैं और क्या यूज़ आता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। ये सभी तरह की क्लासेस, चाहे आपके वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, चाहे आपको जैट हो, चाहे ICER हो, चाहे CUET का एग्ज़ाम हो, चाहे इसके अलावा WO AO, जो भी आपके क्लासेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सभी के अंदर इम्पॉर्टेंट ये अपनी क्लास रहने वाली है। तो देखते हैं आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आज का टॉपिक रहने वाला है मैम ऑफर निकालो। बिल्कुल जो है वो ऑफर भी निकालेंगे, मैं आप लोगों की बात है मैनेजमेंट तक पहुंचा देती हूँ, जो भी होगा वो अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन अब इसमें बॉटनिकल नेम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। डिफरेंट तरह की क्रॉप्स हैं, इसकी एग्रोनॉमी क्रॉप्स हैं, उनके अंदर बॉटनिकल नेम और इनके कैसे दिखाई देते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स की। अलग अलग तरह की क्रॉप्स आती हैं एग्रोनॉमी में, आपके अनाज वाली फसलें आती हैं, दाल वाली आती हैं, तेल वाली फसलें आती हैं, रेसे वाली आती हैं, उन सभी फसलों को कैसे ये दिखाई देती हैं और दूसरा इनके बीज कैसे होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जैसे जैसे अपन देखते जाएं वैसे वैसे आप साइंटिफिक नेम बता भी सकते हो, दूसरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप याद भी कर लेना, क्योंकि आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप लोग आराम से इनको याद कर सकते हैं। पीली बंगा हनुमानगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है। MPPAT के बिल्कुल सभी एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। अशोक स्वामी क्या हुआ, रोज कमेंट करते हैं, जवाब नहीं है। चलिए तो देखते हैं बच्चों अपन आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों अगर किसी के कमेंट है वो मैं नहीं पढ़ पाऊँ तो नाराज नहीं होना है, इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं क्लास से जिसके कारण सारे कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है वो ज्यादा नाराज नहीं हो। अनाज वाली फसलों की अपन बात करते हैं जिसमें क्या क्या क्रॉप्स आती हैं। वीट आती है, गेहूं आता है, जो आता है, इसके अलावा राइस आती है, इसके अलावा मेज आता है, ओट्स आती है, मिलेट्स आता है, ये सब इसके अंदर क्रॉप्स आती हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, तो सबसे पहले आती है अपनी गेहूं। गेहूं जो है उसका साइंटिफिक नेम की अपन बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है साइंटिफिक नेम है गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। गेहूं कैसा दिखाई देता है, ये गेहूं की बालियां हैं सूखने के बाद, ये गेहूं के दाने हैं जिनके बारे में आपने देखा होगा। लगातार कोई दो दिन तक टॉपर नहीं आता है बेटा, इसके अलावा जो होते हैं उनको रख लिया जाता है। तो लगातार जो टॉपर आते हैं एक बार ही किसी एक स्टूडेंट को जो है वो ऑफर मिलता है। अगला नेक्स्ट अपन बात करें कि जो गेहूं है वो दाने तो देख लिए अपन, लेकिन उसकी क्रॉप कैसे दिखाई देती है, वो इस तरह की क्रॉप है वो दिखाई देती है। दूसरा उसके दाने हैं, उसकी जो क्रॉप है वो इस टाइप से दिखाई देती है, ऐसे जो है वो गेहूं के दाने दिखाई देते हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इसके अलावा अपन बात करें कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, गेहूं के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं गेहूं के, जैसे चपाती बनाई जा सकती है, ब्रेड बनाई जा सकती है, बिस्किट बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा इस तरह से जो है वो जो भी ब्रेड वाले आइटम्स होते हैं वो सिर्फ चीज़ें जैसे आपके पाव है, इसके अलावा आपके जो बर्गर वाले बन होते हैं ये सब बन हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो गेहूं के ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि गेहूं की रोटी है बनाई जाती है, इसके अलावा दलिया है, सूजी है, मैदा है, ये सब है गेहूं के प्रोडक्ट है बनाए जाते हैं। जैसे कृष्णा मंजू आज की वीडियो डाल दो, अरे आज की कौन सी वीडियो डाल दें। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर आपके नेक्स्ट आता है अगला, ये अपनी थी गेहूं की फसल। अगली फसल आती है अपनी धान, ये भी अपन सीरियल क्रॉप्स की ही बात कर रहे हैं। धान है उसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। धान का चावल का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। धान की फसल कैसी दिखाई देती है, कैसे चावल के दाने होते हैं, तो देख पा रहे हो आप ये चावल के दाने हैं, ये जो है वो धान की क्रॉप होती है। इसके अलावा अपन देखें किस तरीके से उगाई जाती है, तो इस तरीके से पानी वाले एरिया में उगाई जाती है। जैसे अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अपने जो दक्षिण एरिया है उदयपुर संभाग है, इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़ है, इसके अंदर कोटा संभाग में, इन सभी जगह पर जो है वो चावल की खेती है वो की जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं चावल है वो कैसे दिखाई देते हैं। इस तरह की चावल की बालियां होती हैं, इस तरह से चावल के दाने इसके अंदर से निकलते हैं। चावल का दाना जो है वो किस तरह से होता है, तो चावल के दाने से पहले धान बनता है। धान के ऊपर जो है वो क्या होता है, इस तरह से छिलके युक्त चावल का दाना है वो क्या कहलाता है, धान कहलाता है। और उसको निकालने के बाद कैसा दिखाई देता है, इस तरह से जो है वो सफ़ेद चावल निकलता है। ये इस तरह के चावल भी होते हैं, तो अलग अलग तरह की वैरायटी के चावल है वो पाए जाते हैं। ये अपने धान के बारे में, धान का साइंटिफिक नेम है वो ओराइजा सेटाइवा है। धान है, गेहूं है, जो भी अपने सीरियल क्रॉप्स हैं उनका जो कुल की बात करें अपन, तो क्या होता है, ग्रेमिनिया पोएसी कुल से ये संबंध रखती हैं। अगला नेक्स्ट आता है अपने जो राइस होता है उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो चावल की रोटी बनाई जा सकती है, चावल के पापड़ बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा चावल के जो है वो पुलाव भी बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली क्रॉप जो आती है वो आती है मक्का। मक्का है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिया मेज। मक्का का साइंटिफिक नेम है जिया मेज के नाम से इसे जाना जाता है। ये मक्का की क्रॉप होती है, इस तरह से मक्का के भुट्टे निकलते हैं। ये मक्का की क्रॉप होती है, ये मक्का के भुट्टे दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि और किस तरह से पूरी पूरे फील्ड की क्रॉप अपन देखते हैं, तो इस तरह से मक्का की क्रॉप है दिखाई देती है। दूसरी चीज़ अपन बात करें कि मक्का के अंदर जब मक्का छोटी होती है तो किस तरीके से इसमें भुट्टा बनता है, तो ये आप देख पा रहे हो, ऐसे इसमें भुट्टा बनता है। नेक्स्ट जो है वो मक्का, पीले कलर की मक्का भी होती है, सफ़ेद मक्का भी होती है। मक्का अलग अलग तरह की होती है, पॉपकॉर्न होती है, इसके अलावा अलग अलग तरह से रोटी बनाने के लिए अलग होती है, पॉपकॉर्न के लिए अलग होती है। ये सब अलग अलग तरह की सफ़ेद, पीली और मक्का पाई जाती है। नेक्स्ट, इससे मेज से जो है वो मक्का से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो मक्का के प्रोडक्ट्स की अपन बात करें तो जैसे मक्का के जो है वो कॉर्नफ्लेक्स बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा जो है वो पॉपकॉर्न बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा चपाती बनाई जा सकती है, और भी मक्का के कई तरह के आइटम्स होते हैं जो बनाए जा सकते हैं। अगला नेक्स्ट आता है अपने ज्वार। ज्वार जो है इसे सोरघम कहते हैं इंग्लिश में, साइंटिफिक नेम आता है सोरघम बाइकलर आता है, साइंटिफिक नेम आता है सोरघम बाइकलर। कितनी कितनी किस्में होती हैं मक्का की, अपन यहाँ पर जो है वो बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं। बेसिक के अंदर अपन ओनली इनकी फैमिली है वो अपन देखेंगे, इसके अलावा कौन कौन सी क्रॉप है वो सीरियल क्रॉप्स में आती है, कौन सी पल्सिस क्रॉप होती है, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अपना आता है ज्वार का साइंटिफिक नेम आता है सोरघम बाइकलर। ज्वार कैसी दिखाई देती है, ये ज्वार के दाने होते हैं, ये ज्वार की फसल होती है, ये ज्वार के दाने दिखाई देते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ज्वार की क्रॉप है, इस तरीके से उसकी बुआई की जाती है। ये ऐसे जो है वो ज्वार के दाने हैं वो पकने के टाइम पर जो है इस तरह से उसके दाने बनते हैं। ये इस तरह के दाने दिखाई देते हैं, ज्वार के दाने हैं। आप पास करके जूम करके देखेंगे तो ये ज्वार का जो भुट्टा था वो इस तरीके से है और ऐसे इसमें दाने बनते हैं। नेक्स्ट जो आता है ज्वार के क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, वही ज्वार की रोटी बनाई जा सकती है, ज्वार का दलिया बनाया जा सकता है, ज्वार के बेकरी प्रोडक्ट्स है वो कई तरह के बिस्किट वगैरह है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो अपने सीरियल क्रॉप्स आती है उसमें आती है जो। जो जो है वो क्या होता है, साइंटिफिक नेम है इसका होडियम वल्गेयर होता है, इंग्लिश में इसे बार्ले के नाम से भी जाना जाता है। जो है होडियम वल्गेयर इसका साइंटिफिक नेम है, इसे बार्ले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि जो जो है वो एक तरह की रबी की क्रॉप होती है। जो से क्या क्या बनाया जा सकता है, माल्ट बनाया जा सकता है, शराब बनाई जा सकती है, ये सब जो के जो से बनाई जाने वाली प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो की बालियां कैसी होती है, गेहूं जैसी बालियां ही यहाँ पर दिखाई देती हैं, तो इस तरह से गेहूं की जैसे बालियां जो की भी पाई जाती हैं। अगला जो का दाना कैसा होता है, तो इस तरह से दाना होता है, ये छिलके युक्त दाना होता है, ये छिलका रहित है, वो जो इस तरह का दिखाई देता है। चलिए अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट उस पे आए उससे पहले देखें जो की रोटी बनाई जा सकती है, जो की ब्रेड बनाई जा सकती है, जो का दलिया है, जो की खिचड़ी है, ये सब इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्रॉप आती है वो आती है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट जो है वो बाजरा को कहा जाता है। पर्ल मिलेट किसको कहते हैं, बाजरा को कहते हैं। बाजरे का साइंटिफिक नेम आता है पेनिसिटम ट्राइफोइडम।
टाइफोइडस जो है वो बाजरे का साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा बाजरे को पेनिसिटम ग्लूकम के नाम से भी जाना जाता है। दो इसके नाम आते हैं बाजरा के, पेनिसिटम टाइफोइडस आता है, दूसरा पेनिसिटम ग्लूकम आता है। इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। बाजरे का इस तरह से जो इसके दाने बनते हैं, सिट्टा इसका दिखाई देता है, दूसरा ये इसके दाने होते हैं। तो बाजरा इस तरह से दिखाई देता है। हिंदी की क्लास लगाएं यूट्यूब पे, बिल्कुल जो है वो आप लोगों की बात है, वो मैं मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगी। अभी जो है जो क्लास चल रही है वो पढ़ ले बेटे अपन। तो ये इस तरह से बाजरे का जो है वो दिखाई देते हैं, इसके दाने इस तरह से बनते हैं, ये दाने हैं। अगला नेक्स्ट आता है बाजरे के क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो बाजरे की रोटी आप सबने खाई होगी, ये इस तरह की बाजरे की रोटी होती है। इसके अलावा बाजरे का जो है वो और कई तरह के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे बाजरे के बिस्किट भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बाजरे का आजकल जो है ये मोटे अनाज के अंदर आता है। बाजरे के कई तरह के प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं जो ज़्यादा हाई जो है वो हाई आयरन वाले होते हैं, जिसके कारण इसका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला और नेक्स्ट अपना आता है फिंगर मिलेट आता है। फिंगर मिलेट जिसे रागी या मंडुआ कहते हैं, इल्यूसिन कोरकाना इसका साइंटिफिक नेम होता है। रागी या मंडुआ है, इसका साइंटिफिक नेम है इल्यूसिन कोरकाना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इल्यूसिन कोरकाना। चलिए, तो कैसा दिखाई देता है रागी, इस तरह से देखने में रागी दिखाई देती है। ये इसकी क्रॉप होती है। क्रॉप किस तरह से होती है तो देखिए, आपके इस तरह से रागी की क्रॉप होती है। नेक्स्ट अगला आता है कोदो। कोदो जो है वो पास्पेलम स्कोबिकुलेटम जो है इसका नाम होता है। पास्पेलम स्कोबिकुलेटम है, वो कोदो को कहते हैं। कोदो कैसे है, इसके बीज होते हैं, इस तरह के बीज इसके दिखाई देते हैं। ये इसका जो है वो तना, या अपन बात करें कि इसकी क्रॉप है, वो इस तरह से इसका होता है। चलिए नेक्स्ट आता है अगला, ये इस तरह से एक प्लांट है, वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये कोदो का प्लांट है। अगला आता है जई। जई जिसे ओट्स कहते हैं, जई एविना सटाइवा के नाम से इसे जाना जाता है। जई कैसे इसका पौधा होता है, इस तरह का इसका प्लांट दिखाई देता है। दूसरा इसके जो बीज होते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, ये जई का प्लांट, इस तरह से इसकी क्रॉप होती है, और ये इसका तना है जई का। नेक्स्ट आता है कंगनी। कंगनी जो है वो सिटारिया इटालिका के नाम से जाना जाता है। ये मैं सारी तरह के सीरियल क्रॉप्स और पल्सेस क्रॉप है उनके नाम आपको बता रही हूँ। कुछ जो है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है इनके सिर्फ साइंटिफिक नेम ही पूछे जाते हैं, जनरल डिटेल इनकी नहीं पूछी जाती है। तो साइंटिफिक नेम तो आपको कम से कम हर एक क्रॉप का याद होना चाहिए, इसलिए अपन ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैम 7 बजे ऐप पर ओपन किया था, बट उसमें टेस्ट कैसे देते हैं कुछ समझ नहीं आया। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से टेस्ट देना है, तो जो संस्थान के स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, सॉरी जो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, उन पर हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां पर जाकर क्या करना है वो आपको बताएंगे। आपको ऐप खोलना है, उस ऐप में आप किसी एक बैच में ज्वाइन होते हैं। आप जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको किसी एक बैच में ऐड कर दिया जाता है। तो आप उस अगर किसी भी बैच 1, 2, 3 इनमें किसी में भी ऐड होते हैं तो उसको ओपन करना है, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम रिकॉर्डेड बैच ले रखा है सुपरवाइजर का, उसमें कोई डाउट हो तो कैसे दूर करें। आपको जो है वो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं बेटा, उस पर प्रॉब्लम काउंटर के नंबर भी हैं। तो प्रॉब्लम काउंटर नंबर पर अपना नाम, डिटेल, जो फॉर्मेट है प्रॉब्लम काउंटर का, उस पर आप डिटेल भर के जो है वो भेज सकते हैं। ये सारी जानकारी आप जो है वो अपने हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें हैं वो बता दी जाएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इस पे। ये कंगनी था, सिटारिया इटालिका के नाम से इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आता है काकुन है। काकुन येलो फॉक्सटेल मिलेट को जाना जाता है इंग्लिश में। सिटारिया ग्लूका इसका वनस्पतिक नाम होता है। सिटारिया ग्लूका इसका वनस्पतिक नाम होता है। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये कुछ ऐसी क्रॉप हैं जो जनरली अपन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरह के स्पेशल क्वेश्चंस है वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कुटकी। कुटकी है पेनिकम सुमाट्रंस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। कुटकी है पेनिकम सुमाट्रंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इस तरह की एक क्रॉप होती है, ये इसके बीज है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है अपने अब पल्सेस क्रॉप्स की। ये बेसिक जितनी भी सीरियल क्रॉप्स थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चंस आपके साइंटिफिक नेम है बनते हैं, वो सब अपन ने देख ली है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो क्रॉप आती है वो पल्सेस क्रॉप आती है, दलहनी फसलें। क्या हुआ भाई, टोंक से देवनारायण भगवान की जय, और कृष्णा जाट, दीपक जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस बिल्कुल सेम है। चाहे आप जेट के सिलेबस की बात करें, चाहे आप सुपरवाइजर की बात करें,
चाहे आप जो है वो ICAR, CUET किसी भी तरह के उसकी बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके अंदर सब चीज़ें आती हैं, तो आप बिना टेंशन लिए आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, सुपरवाइजर का कोर्स इंग्लिश मीडियम में भी है, बिल्कुल अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दलहनी फसलों के बारे में। दलहनी फसलों में जैसे आपके चवला आता है, इसके अलावा इसमें आपके मूंग आता है, उड़द आता है, इसके अलावा आपके अरहर आता है, चवला आता है, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, जिनके दाने के दो टुकड़े किए जा सकते हैं, दाल बनाई जा सकती है, उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलों के अंदर सबसे मुख्य और पहली फसल आती है जिसका नाम आता है पी मटर। इसका मटर जो होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ये आप 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। ये मटर की फली होती है और इस तरह से मटर के प्लांट पर ये लगती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस तरीके से, बड़ा आप देख पा रहे हो फोटो में कि किस तरीके से जो है वो मटर की फलियां मटर के प्लांट पे लगती है। मैम मैंने सुबह 7 बजे ओपन किया था, अगर आप नहीं दे पा रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बनाकर भी डाला गया है जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे दे सकते हैं वो पूरी डिटेल आसानी से उसमें बताई गई है, कैसे कैसे ओपन करना है। तो आप उसको एक बार देखें वीडियो को, फिर जो है वो टेस्ट दें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल मुझे वापस बताएं या फिर संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बाकी एक वीडियो बनाकर डाला गया है बेटा YouTube पे, उसको देखें एक बार। शैतान सिंह, चलिए ललित क्या कह रहे हो भाई। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगली क्रॉप आती है अपनी चना। चना जिसे चिकपी या ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, चने को ग्राम भी कह सकते हैं अपन या चिकपी भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसका साइंटिफिक नेम होता है साइसर एरेटिनम। चिकपी है, ग्राम है, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइसर एराइटिनम। ये इसका प्लांट होता है, इस तरह से पौधा होता है, छोटी छोटी इमली जैसी पत्तियां हैं इसकी होती हैं, दूसरा इस पर जो है वो दाने लगते हैं। चना है वो दो प्रकार का होता है, एक तो ये काबुली चना होता है, ये एक जो है वो देसी चना होता है। तो इस तरह के दो चने हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। दूसरा अपन बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हो गया साइसर एराइटिनम। ये जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित मानी जाती है क्रॉप। ये चिकपी की पत्तियां हैं, देख पा रहे हो आप, इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं। दलहनी जो फसलें होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम है राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। अगली नेक्स्ट क्रॉप आती है अपनी अरहर। अरहर को पीजन पी के नाम से जाना जाता है। अरहर को किसके नाम से जानते हैं, पीजन पी के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है केजनस केजान। केजनस केजान के जो बीज होते हैं अरहर के कैसे दिखाई देती है, फलियां कैसी दिखाई देती है, देख पा रहे हो आप। अरहर को अपन रेड ग्राम भी बोलते हैं। अरहर को क्या कहते हैं अपन, रेड ग्राम के नाम से भी अरहर को जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर आप देख पा रहे हो ये रेड ग्राम है, तो इसलिए इसका नाम है वो रेड ग्राम रखा गया है। मैम रूम लेकर रहना चाहते हैं कृष्ण जाट, बिल्कुल आ सकते हैं। कवर हेमंत, यूपी से हूँ, ICAR में 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ICAR में 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगले अरहर जो है इसके बाद अगली क्रॉप आती है अपनी पल्सेस क्रॉप में उड़द। उड़द को अपन क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम आता है इसका विग्ना मूंगो। साइंटिफिक नेम आता है उड़द का विग्ना मूंगो। फेसियोलस मूंगो के नाम से भी इसे जानते हैं, उड़द को फेसियोलस मूंगो या विग्ना मूंगो के नाम से उड़द को जाना जाता है। उड़द बीन या ब्लैक ग्राम उसको इंग्लिश में कहते हैं, या तो उड़द बीन ही कहते हैं या फिर ब्लैक ग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी फलियाँ कुछ इस तरह की आप देख पा रहे हो, ऐसी दिखाई देती हैं। ये इसके दाने होते हैं, ये इसके बीज होते हैं उड़द के, तो इसकी दाल बनाई जा सकती है। अगला नेक्स्ट आता है अपने ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम जो है वो मूंग को कहते हैं, इसको मूंग बीन भी कह सकते हैं, दूसरा इसको ग्रीन ग्राम भी कहा जा सकता है। साइंटिफिक नेम इसका विग्ना रेडिएटा होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, विग्ना रेडिएटा। ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं मूंग है, जिनकी दाल बनाई जाती है, मोस्टली इसकी दाल है उसका यूज किया जाता है। ये मूंग की फलियाँ होती है, देख पा रहे हो आप। बूंदी से बहुत बहुत स्वागत है, भोला शंकर, सद्दाम गोरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्मल मीना बूंदी से, वीरू धोई, इसके अलावा हरीश है, विद्याराज है, गायत्री कंवर है, बहुत बहुत स्वागत है आपके। चलिए प्रेमपुरा से राम राम, आरएमजी 2M, जितेंद्र मीना, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये अपनी YouTube पे क्लास है, वो शाम की 7:30 बजे स्टार्ट होती है। तो ये मूंग का साइंटिफिक नेम हो गया विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट अपन बात करें कि मूंग है वो कैसा दिखाई देता है, कैसी पत्तियों वाला पौधे को अपन मूंग कहते हैं। क्या कभी अपन ने अरहर के जो पौधा है उसको मूंग कह दिया, बिल्कुल नहीं। अपने को यहाँ पर ध्यान से देख लेना है मूंग का पौधा कैसा दिखाई देता है, इस तरह की पत्तियाँ होती है और मूंग पर कैसे फूल आते हैं, पीले कलर के फूल आते हैं।
पशुपालन का आवास कराओ, बिल्कुल आवास भी कराएंगे। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट जो है उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं, लेंटिल। लेंटिल जिसे मशहूर कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका लेंस एस्कुलेंटा होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। मसूर की दाल आपने खाई होगी, कैसे कलर की होती है? ऐसी रेड कलर की मसूर की दाल होती है और इस तरह के इसकी क्रॉप है वो दिखाई देती है। चलिए मैम ऐप पर कब क्लास लोगे? ऐप पर तो क्लास चल रही है बेटा, आज से स्टार्ट हो गई है अपनी ऐप पर जो है वो जेट में ICR बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में स्टार्ट हो गई है। हाँ नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं अगला अपना जो लेंटिल है, जो मसूर है, इसका पौधा कैसा दिखाई देता है? तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह के सफ़ेद और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ये लेंटिल की रूट्स होती है मसूर की। इस तरीके से जो है वो पेड़ पौधे पर जो है वो किस तरह से जो है वो दिखाई दे रहा है आपको, कैसे इस पर पत्तियाँ पाई जाती है। अगला नेक्स्ट आता है काउपी। काउपी जिसे चवला या लोबिया के नाम से जानते हैं, काउपी का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना एंग्यूकुलेटा। काउपी या चवले का साइंटिफिक नेम होता है विग्ना एंग्यूकुलेटा। ये अपने चवले के बीज या चवले की दाल होती है और ये चवले की फलियां इस तरह से लगती है। चलिए आदित्य प्रकाश बहुत बहुत स्वागत है आपका, एग्रीकल्चर का फैन। इसके अलावा भाटी साहब है, रंजीत कुमार है, श्रुप्त भाटी हैं, इसके अलावा स्वरूप भाटी हैं, सोनू वर्मा है, LK एग्रीकल्चर फार्मिंग। बेटा जो भी स्टूडेंट्स है थ्योरी की क्लास लेना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट हैं, वो अपना ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ऐप के अंदर डिफरेंट तरह के कोर्सेज जो आप लेना चाहते हैं उन सभी की क्लासेस अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट का टाइमिंग है मॉर्निंग में 7:00 है और ये 3 मिनट का ही टेस्ट होता है ओनली। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चवला के बाद में। चवला का जो प्लांट होता है वो इस तरह का दिखाई देता है, ऐसे उस पर फूल आते हैं, इस तरह के ब्लू कलर के जो है इसके फ्लावर आते हैं चवला के, काउपी के। नेक्स्ट आता है मोठ। मोठ जो है इसे मोठ बीन के नाम से और साइंटिफिक नेम होता है इसका विग्ना एकोनिटिफोलिया। साइंटिफिक नेम होता है मोठ का विग्ना एकोनिटिफोलिया, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये मोठ बीन इस तरह का दिखाई देता है और ये इसकी फलियां होती हैं, इसका प्लांट होता है। मोठ के बारे में आपने नाम सुना होगा, मोठ का यूज़ है वो बीकानेरी भुजिया बनाने में किया जाता है। मोठ का यूज़ है बीकानेरी भुजिया बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सभी तरह की दालें हैं वो अधिकतर अपने दाल बनाने के लिए, दाल की सब्जी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा जो है उनसे पापड़ है, बड़ी है, ये सब बनाई जाती हैं। इसके अलावा अपन चने की बात करें तो अपने पकौड़िया है और डिफरेंट तरह के कई आइटम्स बनाए जाते हैं। बेसन की अपन बात करते हैं तो बेसन से कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अलग अलग तरह की जो भी दालें होती हैं उनसे कई तरह के मिठाइयाँ और कई तरह के प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। तो मोठ से अपना मुख्य रूप से बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए यूज होता है। अगला नेक्स्ट आता है किडनी बीन। किडनी बीन को राजमा कहते हैं हिंदी के अंदर और इसका साइंटिफिक नेम फेसियोलस वल्गेरिस होता है। राजमा का साइंटिफिक नेम होता है वो फेसियोलस वल्गेरिस होता है। ललित क्या कह रहे हो भाई, नज़र नहीं लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ICR में BSc का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कहाँ से लिया जाए? अभी तक जो अपना आपके 11th और 12th का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, वही चीज़ें आपके इसमें ICR एग्ज़ाम में आने वाली है। दूसरा जैसे ही इसके बारे में और डिटेल आती है ICR के सिलेबस की तो पूरा आप लोगों को 2023 का जो बुकलेट आती है तो उसके अंदर आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है तो NTA ने जारी नहीं किया है, वैसे वही चीज़ रहने वाली है 11th और 12th की। तो आप बिना चिंता किए वो चीज़ पढ़ते रहें और जैसे ही सिलेबस आता है तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दूंगी। अब अपन बात करते हैं राजमा जो है साइंटिफिक नेम फेसियोलस वल्गेरिस होता है। राजमा दो कलर का दिखाई देता है, इस तरह से आप देख पा रहे हो मार्बल कलर इसमें आता है, दूसरा यहाँ पर रेड कलर का सा दिखाई दे रहा है। ये दोनों कलर जो है वो राजमा के होते हैं। अगला नेक्स्ट राजमा जो है वो कैसा इसकी क्रॉप होती है, तो इस तरह से राजमा की फलियाँ होती हैं, ऐसे फलियाँ उसकी दिखाई देती हैं, ऐसे उसके प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, ये इस पर फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। एग्रीकल्चर नहीं आता मैम टेस्ट में। मैम आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है? सुपरवाइज़र में, सुपरवाइज़र की ऑनलाइन अभी क्लास मेरी नहीं हो रही है, जबकि ICR बैच में और इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये अपन YouTube पे ही ले रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप होती हैं। ऑयल सीड्स क्रॉप जो होती हैं उन्हें तिलहनी फसलें कहते हैं जिनसे तेल निकाला जा सकता है। तेल निकाले जाने वाली फसलें में जैसे सोयाबीन आता है, तिल आता है, मूंगफली आती है, ये इसके अलावा अलसी, अरंडी आती हैं, ये सब तिलहनी फसलें आती है। तो तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से फसल काम में ली जाती है वो आती है मूँगफली। मूँगफली को अपन जो है वो ग्राउंड नट के नाम से भी जानते हैं। मूँगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राउंड नट कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है मूंगफली का साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया होता है। मूंगफली का साइंटिफिक नेम है
और 21 हाइपोजिया होता है। मूंगफली का प्लांट इस तरह से दिखाई देता है। ये मूंगफली तो आपने सबने खाई होगी। दूसरा अपन बात करें कि मूंगफली दो प्रकार की होती है। मूंगफली कैसी होती है, एक तो गुच्छे के रूप में लगने वाली होती है, बंच टाइप लगती है, और एक जो है वो स्प्रेडिंग होती है, मतलब फैलने वाली होती है। गुच्छे वाली और फैलने वाली दो तरह की मूंगफली होती है। तो ये गुच्छे वाली मूंगफली है, बंच टाइप मूंगफली है ये देखो, और ये स्प्रेडिंग मूंगफली है। ये बंच टाइप है और ये स्प्रेड, मतलब जो बेल के जैसे फैलने वाली होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्प्रेडिंग या फैलने वाली मूंगफलियां कहा जाता है। मैम आईसीआर की क्लास कब से स्टार्ट कर दो? अरे बेटा ये क्लास जो चल रही है वो अपने आईसीआर के लिए भी यूजफुल है। भरतपुर से यूट्यूब क्यों बहुत बहुत स्वागत है। अगली वैकेंसी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 12th पास को लेंगे? बिल्कुल लेंगे, 12th पास ही आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जो है वो एलिजिबल है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट अपन अगला देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो है ग्लाइसिन मैक्स एल के नाम से इसे जाना जाता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है सोयाबीन का, ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन के दाने इस तरह से दिखाई देते हैं। सोयाबीन में एक जहरीला तत्व होता है जिसके कारण सोयाबीन की दाल को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, उसको बॉइल करके उसको सुखा कर उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है, और मुख्य रूप से इससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ये ऑयल सीड्स में आती है। तो ये सोयाबीन की है वो फलियाँ होती हैं और ये इसके बीज आपको दिखाई देते हैं। 12th पास को लेंगे नरेंद्र, बिल्कुल चिंता नहीं करें आप। नेक्स्ट जो आती है सोयाबीन का प्लांट कैसा दिखाई देता है, ये बड़ा आपको प्लांट दिख रहा है, ये इसकी फलियां इस तरह से इसके पौधे की लीव्स होती हैं। नेक्स्ट आता है सूर्यमुखी या सूरजमुखी, सनफ्लावर उसको इंग्लिश में कहते हैं। हेलियंथस एनस है सूरजमुखी का साइंटिफिक नेम होता है। सूरजमुखी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलियंथस एनस होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका पौधा कैसा दिखाई देता है, इसके बीज कैसे दिखाई देते हैं। तो ये सूरजमुखी के सीड्स होते हैं और ये इसका फ्लावर जो आपने सबने देखा होगा सूरजमुखी है, सूरजमुखी जैसा ही दिखाई देता है, सूर्य की तरफ इसका मुंह रहता है। सूर्यमुखी या हेलियंथस एनस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके पूरे प्लांट की अपन बात करें तो इस तरह से इसका प्लांट होता है, ऐसे इसके पौधे पर जो है वो फ्लावर लगता है और इस तरीके से टर्न लिए होता है। जैसे जैसे सूरज जो है वो जिस साइड जाता जाता है उसका मुंह जो है वो सूरजमुखी के फूल का उधर की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है। अगला और नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलसी। अलसी जिसे लिनसीड के नाम से जाना जाता है। कभी आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या किसके बीज खाते हैं, अलसी के बीज खाते हैं। तो अलसी के बीज कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह के अलसी होती है। रोस्टेड बीज अपन खाते हैं या फिर कच्चे बीज भी अपन चबाते हैं। बाबा रामदेव कहते हैं पेट की समस्या को दूर भगाएं, अलसी के बीज खाएं, अलसी के बीज चबाएं। तो ये चीज़ जो है वो अलसी इस तरह से दिखाई देती है। अलसी है उसका साइंटिफिक नेम लाइनम यूसी टैटिसिमम होता है। अलसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लाइनम यूसी टैटिसिमम के नाम से इसे जाना जाता है। ये अलसी की क्रॉप होती है, इस तरह के इसके फ्लावर दिखाई देते हैं और ये इसके बीज होते हैं, ये इसके सीड्स होते हैं। अलसी के सीड्स जो है वो इस तरह से दिखाई देते हैं। मैम आज केवल थ्योरी पढ़ाओगे ना? हाँ आज केवल अपन जो है वो थ्योरी का, मतलब यहाँ पर अपन जो है सारे साइंटिफिक नेम ही देख रहे हैं सारी चीज़ों के, उसके बाद और नए पैटर्न से अपन और नई चीज़ें करेंगे। अभी के लिए आज के लिए अपन यही पढ़ रहे हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ सके और ये जो अपना पढ़ाया जा रहा है जो अपनी एग्रोनॉमी की सारी क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से पढ़ सके। जैसे आप सिलेबस के बारे में पूछते हैं तो एक तरह से आपका सिलेबस ही कवर हो रहा है कि कौन कौन सी क्रॉप है वो आपके सिलेबस के अंदर आती है। तो सारी क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम विद नेम आपको मैं बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी कि अपने सिलेबस में भी कौन कौन सी हैं, दूसरे उनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, ये अलसी का साइंटिफिक नेम हो गया और अलसी के फ्लावर जो है वो इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह के इसके बीज होते हैं, ऐसे निकलते हैं। नेक्स्ट जो आता है इस तरह से निकाली जाती है अलसी। अगला आता है पीली सरसों। पीली सरसों जो होती है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों के नाम से इसे जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम पीली सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है। पीली सरसों इस तरह से अचार वगैरह में यूज़ की जाती है। पीली सरसों अचार के अंदर, अचार बनाते हैं तब उसमें डालने के लिए काम में लाई जाती है। अगली आती है भूरी सरसों। भूरी सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वेराइटी डाइकोटोमा होती है। भूरी सरसों है वो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वेराइटी डाइकोटोमा होती है। भूरी सरसों इस तरह की दिखाई देती है। भूरी सरसों देख पा रहे हो आप,
किसका बैच है मैम, नेट स्लो चल रहा है मैम, ने भी रॉयल का साफा पहनना चाहता हूँ। बिल्कुल आप संस्थान में पधारें, अच्छे नंबर से पास होकर अच्छी रैंक लाकर आप पधारें संस्थान में, बिल्कुल आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सब लोगों का। अच्छे से आप सेलेक्ट हों, अच्छे से पढ़ाई करें और एक दिन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर भी साफा पहनाया जाएगा। ऐप से लाइव कैसे लिया जाता है, ऐप से लाइव जो है वो उसके अंदर आप कौन सा कोर्स परचेज करना चाहते हैं उस कोर्स को आपको परचेज करना होगा पे करके, उसके बाद उसके वहाँ से लाइव आप ले सकते हैं। एफओ की लाइव क्लास अपने ऐप में होती है बेटा, ऐप में होती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भूरी सरसों का नाम हो गया आपने, अगली जो आती है वो आती है काली सरसों या बनारसी राई। नेक्स्ट जो आती है काली सरसों या बनारसी राई आती है, जिसे ब्रेसिका नाइग्रा के नाम से जानते हैं। काली सरसों या जो काली बनारसी राई जो होती है वो ब्रेसिका नाइग्रा के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है जेट के फॉर्म अब अगले साल आएंगे, जेट का एग्जाम अभी तो हुआ है, अब अगले साल के लिए नेक्स्ट 2023 में आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है राई, राया या लाहा, ये जो होती है ब्रेसिका जुन्सिया कहलाती है। जो राई है राया या लाहा के नाम से इसको जानते हैं, ब्रेसिका जुन्सिया है, इस तरह की ब्रेसिका जुन्सिया दिखाई देती है। प्लांट्स जो है वो लगभग सेम ही होते हैं सभी के। वैकेंसी में कितने पद निकलेंगे और कब आएगी वैकेंसी, बहुत जल्द जो है वो सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। साल के एंड तक अपन बात करें तो वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है और उसी टाइम आपको पता चलेगा कि जो है वो कितने एक्चुअल में जो है वो कितने पद आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट आता है तारामीरा। तारामीरा इसे इरुका सेटाइवा के नाम से जाना जाता है। ये तारामीरा होती है, ये भी तेल निकालने के लिए यूज़ की जाती है। तारामीरा का ये फ्लावर है, इस तरह के इसके प्लांट होते हैं इरुका सेटाइवा। कुल बताएं, अच्छा साथ में अपन कुल देखते हैं तो अपना जो तारामीरा आता है या अपनी सरसों जो आती है वो ब्रैसिकेसी कुल की आती है। ये कौन से कुल की आती है, ब्रैसिकेसी कुल की आती है। दलहनी क्रॉप्स की अपन बात करते हैं तो अपने लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। दूसरा इसके अलावा जो अपनी सीरियल क्रॉप्स थी वो पोएसिया ग्रेमिनी कुल में आती है। तो अलग अलग तरह के इनके क्रॉप्स हैं, बाकी आगे के क्रॉप्स हैं मैं बताते जाऊँगी क्योंकि आगे आने वाले जो क्रॉप्स हैं उनके सबके जो कुल है वो अलग अलग है। अभी तक अपन ने जो देखा लगभग इनके अंदर जो अपनी सरसों थी उस सरसों के सारे कुल है वो अपने ब्रेसिकेसी है उसके नाम से जाना जाता है। ब्रेसिका कुल से संबंधित है तो ब्रेसिकेसी इनके कुल हैं। नेक्स्ट अगले आते हैं अपन तिल। तिल जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है सीसेम, इसको कहते हैं सीसेमम इंडिकम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तिल का साइंटिफिक नेम होता है सीसेमम इंडिकम होता है। पीडेलिएसी जो है इसका जो है वो कुल होता है। इसका कुल क्या होता है, पीडेलिएसी इसका कुल है। पेडिलिएसी इसका कुल है, तिल का कुल है पेडिलिएसी। सी सेम इसका इंग्लिश नाम है और सीसेमम इंडिकम के नाम से इसे जाना जाता है। इस तरह से इसके प्लांट होते हैं। तिल दो तरह के होते हैं, इस तरह से इसकी पोड्स होती हैं जिसमें से क्या निकलते हैं, तिल निकलते हैं। ये ब्लैक कलर के तिल भी होते हैं, सफ़ेद कलर के दो तरह के तिल है वो होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है अपना, अगली जो क्रॉप आती है वो आती है रामतिलिया नाइजर। रामतिलिया नाइजर गुजोटिया एबेसिनिका के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बेसिक जानकारी इसका नाम है, साइंटिफिक नेम आप याद रखें, रामतिलिया नाइजर गुजोटिया एबेसिनिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट आता है कैनोला ब्रेसिका नेपस के नाम से इसे जाना जाता है। इस तरह के इसकी क्रॉप होती है, ऐसे इसके बीज होते हैं। ये भी सरसों की ही एक वैरायटी होती है। अगला आता है अरंडी। अरंडी जो है वो U4BSC कुल से संबंधित आती है। अरंडी का साइंटिफिक नेम रिसिनस कम्युनिस होता है। अरंडी है इसका साइंटिफिक नेम आता है, रिसिनस कम्युनिस का इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये अरंडी के बीज होते हैं। अगला नेक्स्ट, अरंडी का पौधा है वो कैसा दिखाई देता है, तो इस तरह से अरंडी के पौधे दिखाई देते हैं, ऐसे अरंडी के पौधे होते हैं। नेक्स्ट आती है अब अपने, ये अपनी सीरियल क्रॉप्स हो गई हैं, पल्सेस क्रॉप्स हो गई है और इसके अलावा ऑयल सीड्स क्रॉप हो गई हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज की इस क्लास के अंदर अपनी कलर क्रॉप्स के बारे में। कलर क्रॉप्स जो रंग वाली फसलें होती हैं जिनसे रंग प्राप्त किया जाता है, जिसमें कुसुम आती है, इसके अलावा आपकी क्या आती है, नील आती है। दो तरह की क्रॉप आती है कलर क्रॉप में, रंग वाली फसलें हैं उसमें देखेंगे। रंग वाली फसलों में पहली क्रॉप आती है कुसुम। कुसुम जो है इसका साइंटिफिक नेम कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है। कुसुम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। इस तरह से इसके सीड्स होते हैं, ये इसकी जो है वो क्रॉप होती है, ये कुसुम की क्रॉप होती है। मैम नियाम जयपुर में जाऊंगा, क्या कह रहे हैं भाई, टेस्ट में थोड़ा चेंज करो, हमें केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं। हाँ बेटा मैंने आप लोगों की बात मैनेजमेंट तक पहुँचा दी है,
एक या दो दिन में इस पर पूरा अप्लाई करके आप लोगों का जो सुपरवाइजर का अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर है उसके अकॉर्डिंग या फिर जैसा भी सेट करेंगे उस अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो जेट ICER में भी जुड़ना चाहते हैं तो वो जीके और हिंदी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों के यहाँ पर है कि आप लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं कर पाते हो, तो एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिससे आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैनेजमेंट के बात पास मैंने बात पहुंचा दी है, थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया जा रहा है, जैसे ही कुछ डिक्लेयर होगा मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता दूंगी, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ही है उसमें जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है जो कुसुम होती है वो किस तरह के उसके फ्लावर होते हैं। तो इस तरह से कुसुम के फ्लावर दिखाई दे रहा है आपको, ये कुसुम का फ्लावर होता है, ये इस तरह से जो है वो कलर क्रॉप होती है ये। नेक्स्ट आती है नील, नील है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया के नाम से इसे जाना जाता है, साइंटिफिक नेम होता है नील का इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, नील का साइंटिफिक नेम आता है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये जो नील होती है इस तरह का इसका पौधा होता है, इस तरह का इसका फ्लावर होता है, इस फ्लावर से क्या बनाई जाती है नील बनाई जाती है, जो सफ़ेद कपड़ों में आप देते हैं उजाला नील और ये अलग अलग तरह की नील आती है उनका नाम से, तो ये नील जो होती है एक तरह के पौधे से प्राप्त होती है, नील पौधा होता है जिसको इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये इस तरह का प्लांट होता है, ऐसे दोनों तरह से आप प्लांट के फ्लावर देख पा रहे हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली जो क्रॉप आती है वो कैश क्रॉप आती है, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आती है, कैश क्रॉप आती है, कैश क्रॉप जो रोकड़ फसलें होती हैं जिनको डायरेक्टली अपन मार्केट में सेल करके क्या कर सकते हैं उनसे जो है वो आर्थिक लाभ ले सकते हैं, उन्हें कैश क्रॉप कहा जाता है। मैम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रिकॉर्डेड कोर्स में टेस्ट भी होता है क्या, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स में क्या अंतर है, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स की अपन बात करें, कृषि मंत्री बेटा नरेंद्र सिंह तोमर हैं अपने जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो लालचंद कटारिया हैं। दूसरा लाइव और जो रिकॉर्डेड कोर्स होता है उसमें क्या होता है, किस तरीके से जानकारी है वो, वैसे तो अपन बात करें कि लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है लाइव के अंदर तो आप लोगों को ऑन द स्पॉट जो है वो लाइव क्लासेस मिलती हैं, जबकि रिकॉर्डेड में आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा उसके अंदर आप कभी भी जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, ये डिफरेंस होता है। और भी ज़्यादा डिटेल उसमें क्या क्या मिलता है किस तरह से मिलता है तो आप संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं रोकड़ क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है, पहली क्रॉप आती है गन्ना, गन्ना है सैकरम ऑफिसिनेरम के नाम से इसका साइंटिफिक नेम होता है, गन्ने का साइंटिफिक नेम होता है सैकरम ऑफिसिनेरम, ये सैकरम ऑफिसिनेरम गन्ना इस तरह से दिखाई देता है। गन्ने की क्रॉप्स की अपन बात करें तो इस तरह से गन्ने की क्रॉप होती है, ये गन्ने की क्रॉप होती है, इससे जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, ये गन्ने की क्रॉप आप देख पा रहे हो, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो गन्ने का जूस जो आप पीते हैं गर्मी के दिनों में, दूसरा इससे शुगर बनती है, इसके अलावा इससे जगरी गुड़ बनता है, गुड़ का जो है वो इस तरह से सीरा भी बनाया जा सकता है और गुड़ भी बनता है जो इस तरह से जो है वो बनाया जाता है। अगला और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली क्रॉप आती है क्लस्टर बीन जिसे ग्वार कहते हैं, ग्वार का साइंटिफिक नेम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ग्वार का साइंटिफिक नेम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नेम है, ये ग्वार की फली है, ये ग्वार के दाने होते हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्वार की फली और ग्वार के दाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्वार का जो है वो प्लांट कैसा होता है, कैसे उसके और बीज अपन देख लेते हैं, तो इस तरह से ग्वार का प्लांट है, ऐसी उसकी पत्तियां होती हैं और ये अपने को आप देख पा रहे हो ये इसके जो है वो दाने होते हैं। अगला नेक्स्ट आ रहा है चुकंदर, चुकंदर जो है वो बीटा वल्गेरिस के नाम से इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये चुकंदर इस तरह की फसल होती है, इस तरह की फसल ये आप देख पा रहे हो चुकंदर का यूज़ है, बीटा वल्गेरिस इसका साइंटिफिक नेम, चुकंदर का साइंटिफिक नेम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ध्यान रखेंगे, और ये चुकंदर की क्रॉप होती है। चुकंदर की क्रॉप के बाद में अपन देखते हैं ये शुगर बीट इस तरह से अलग अलग कलर की भी आप देख पा रहे हो, काटने पर ऐसी ये दिखाई देती है। नेक्स्ट आती है इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो शुगर बीट से जो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जैसे इसकी कैंडी बनाई जा सकती है, इससे चीनी बनती है, इसके अलावा और कई तरह के डिफरेंट जो है बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ है वो किया जाता है। नेक्स्ट आती है फाइबर क्रॉप्स रेशे वाली फसलें, किशन जाट क्या कह रहे हो भाई, नमस्ते निकिता मीना बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैडम जाट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई क्या, जैसे स्टार्ट होती है आपको पूरे चीज़ें जो है वो बता दी जाएगी, आप बिल्कुल एक बार चिंता नहीं करें बच्चों, मैं रोज़ आप लोगों के सामने यहाँ लाइव आती हूँ, कोई भी नई अपडेट आती है कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगी क्लास में आते ही, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करें। आगे आता है फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप जो आती हैं रेशे वाली फसलें आती है, रेशे वाली फसलें जो होती हैं उन्हें फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कपास,
कपास जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम स्पीसीज। कपास का साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम स्पीसीज। इस तरह से कपास का प्लांट होता है, ऐसे आप देख पा रहे हो। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं, इसके जो क्रॉप होती है उसका फ्लावर होता है, इसका पोड जो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये इसका फ्लावर है, ये इसकी लीव्स होती है, ये इस तरीके से पोड लगता है और ये जब पक जाता है तो इस तरह से फट जाता है और फटने के बाद उसमें कॉटन बाहर आ जाती है। इस तरह से सूखने पर जो है उसकी क्या कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। उसकी हार्वेस्टिंग इस टाइप से, ये पोड, ये फूल, या आपको यहाँ पर वो हार्वेस्टिंग के टाइम उसकी जो है वो पोड कपास के रेशे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है जूट की। अगला जो फसल आती है अपनी रेशे वाली फसल में, जूट आती है। जूट जो है उसका साइंटिफिक नेम कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस आता है। जूट का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस आता है और ये जूट की क्रॉप होती है। इस तरीके से जूट से जो है वो कई तरह के रेशे है, फाइबर है, इससे बनाया जाता है। अपने यहाँ पर साइंटिफिक नेम याद रखना है, ये इसकी अलग अलग तरह से बेल होती हैं जिनकी गांठें बनाई जाती हैं जूट से, ये ऐसे गांठ बनाई जाती है। अगली आती है सनई। सनई जो आती है उसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई का साइंटिफिक नेम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैम कुल बताओ, मैम क्या बताएं भाई, मैम साथ में कुल अच्छा कुल बताएं, कुल जो है वो बिल्कुल मैं साथ का साथ बताते जा रही हूँ आप लोगों को। कुछ कुल है वो शायद गलती से अगर रह गए हैं तो अपन देखते हैं। जैसे गन्ने का अपन बात करते हैं तो ग्रेमिनिया पोएसी आता है, इसके अलावा आलू है सोलोनेसी कुल से आता है, ग्वार है वो अपना फेबेसी कुल से आता है या लेग्यूमिनेसी कुल से आता है, उसके अलावा कपास है वो मालवेसी कुल से था, सनई है वो अपना फेबेसी कुल से, सनई है वो फेबेसी कुल से, मैं वापस से एक बार बता देती हूँ, सनई फेबेसी कुल से आता है अपना। इसके अलावा और क्या अपन ने पढ़ा, कपास है वो अपना मालवेसी कुल से आता है, तो ये अपने यहां पर आ गए। अब अपन आगे वाली पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, सनई हो गया। सनई की जो क्रॉप होती है इस तरह से सनई का है वो प्लांट होता है। सनई का यूज़ है वो फाइबर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, इसके मैट्स बनते हैं, नेट बनती है इसके फाइबर्स, इसके अलावा पेपर बनता है, फाइबर पेपर इसका सनई का बनाया जाता है, ये अलग अलग तरह के डिफरेंट इसके प्रोडक्ट बनते हैं। ये सनई के बीज होते हैं, सनई की ये इस तरह से रेशे तैयार होते हैं। नेक्स्ट आता है पटसन। पटसन जो है वो हिबिस्कस कैनाबाइनस के नाम से इसे जाना जाता है। पटसन है, इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस केनाबाइस। तो केनाबाइनस जो है उसका कैसे क्रॉप होती है पटसन की, किस तरह की दिखाई देती है, तो ये आप पटसन की क्रॉप देख पा रहे हो। ये इसका फ्लावर होता है, ये इसका प्लांट होता है, ये इसके सीड्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन देख पा रहे हैं, इसके अंदर इस तरह से इसका रेशा है वो प्राप्त किया जाता है, ये इसका फ्लावर होती है, ये पटसन, इस तरह से इसकी क्रॉप पाई जाती है। अगले आती है फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स जो होती हैं चारे वाली फसलें इनको कहते हैं, चारे वाली फसलें जिनको पशुओं को जिनका चारा खिलाया जाता है वो फोडर क्रॉप्स या चारे वाली फसलें कहलाती हैं। चारे वाली फसलों के अंदर पहली अपने आती है ढेंचा। ढेंचा जिसे ससबेनिया एक्यूक्लेटा के नाम से जाना जाता है, ढेंचा है इसे ससबेनिया एक्यूक्लेटा के नाम से जाना जाता है। ये जो ढेंचा होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। ढेंचे का उपयोग है वो हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, हरी खाद के रूप में भी ढेंचे का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाती है अंजन घास। ये जो है वो अलग अलग तरह की घास होती है, वो भी चारे वाली क्रॉप्स के अंदर ही आती है। चलिए अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की ऑनलाइन फीस है वो 5,000 रुपये। दीपू टैक है, एजे बनना है, इस 5,000 रुपये ऑनलाइन लाइव कोर्स की है। दूसरा अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो 2,000 रुपये चार्ज है। अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 15,000 रुपये चार्ज है। चलिए डेट भी लगाया करो जिससे बाद में देख सके। सर जो है वो ध्यान रखना, स्पेशली जो भी PDF अपन अपलोड करते हैं उसको डेट वाइज सेव किया करें। चलिए ललित क्या कह रहे हैं, मैम आप टिक्के लगा लीजिए काली, बिल्कुल लगा लेते हैं भाई। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपने क्रॉप आती है अंजन घास। अंजन घास जो है इसे सैनक्रिस सिलेरियम के नाम से जाना जाता है। अंजन घास होती है सैनक्रिस सिलेरियम के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा नेपियर घास आती है जिसे पेनिसिटम परप्यूरियम के नाम से जाना जाता है। पेनिसिटम परप्यूरियम के नाम से नेपियर घास को जाना जाता है। ये इस तरह से घास दिखाई देती है। सभी तरह की घासेस हैं वो किसमें यूज़ की जाती है, पशुओं के चारे के रूप में यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इस तरह से नेपियर घास होती है, ये ऐसी क्रॉप दिखाई देती है। बरसीम आती है मुख्य रूप से चारे वाली फसलों में, अपने रिजका और बरसीम आती है। बरसीम की बात करें तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिस
अलेक्जेंड्रियम इसका साइंटिफिक नेम होता है, बरसीम का साइंटिफिक नेम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ये बरसीम के बीज होते हैं, ये बरसीम की क्रॉप होती है जो सभी सीजन में अवेलेबल होती है और पशुओं को खिलाने के काम में लाई जाती है। पशु के चारे के रूप में प्रमुख रूप से रिजका और बरसीम का उपयोग है वो किया जाता है। रिजका को लूसन के नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिक नेम होता है इसका मेडिकागो सिटाइवा, साइंटिफिक नेम होता है मेडिकागो सिटाइवा, ये इसका साइंटिफिक नेम। ये जो है वो रिजके के फ्लावर है, इस टाइप से दिखाई देते हैं, ऐसी क्रॉप होती है इसकी, इस तरह की क्रॉप है, आप देख पा रहे हो ऐसी लीव्स होती हैं इसकी, मेथी जैसी पत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आती है और घास की बात करें तो सूडान घास आती है। सूडान ग्रास जो होती है वो सोरगम सूडानेस के नाम से इसको जाना जाता है। जो सोरगम सूडानेस होती है, सूडान घास होती है, इस तरह से इसका प्लांट होता है, ऐसी इसकी लीव्स होती हैं आप देख रहे हो, ये इसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, और इसको किस स्टेज में जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, ये इसकी स्टेज होती है। अगला आता है गुआना घास। गुआना घास है पेनिकम मैक्सी के नाम से इसको जानते हैं, गुआना घास को पेनिकम मैक्सी के नाम से जाना जाता है। अब अगली जो अपनी क्रॉप आती है वो प्लांटेशन क्रॉप आती है, रोपण फसलें। प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं, रोपण फसलें होती हैं, उनको किसी जो है वो दूसरी जगह पर लगाया जाता है, किसी ऐसी समतल एरिया या नॉर्मल भूमि पर नहीं लगाते हैं उनको, जो ऐसे पहाड़ी एरिया के अंदर इनका यूज़ है वो किया जाता है। पहाड़ी एरिया के अंदर अपन जैसे बात करते हैं, इसमें नारियल आता है, नारियल है, इसे कोकस न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। नारियल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोकस न्यूसीफेरा। इस तरह से नारियल का प्लांट होता है, ये आप नारियल देख पा रहे हो, ऐसा होता है, ये कच्चा नारियल, ये पका हुआ नारियल होता है। अगला नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी है, इसे कॉफ़ी अरेबिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम होता है कॉफ़ी अरेबिका। कॉफ़ी के जो बीन्स जो होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, वो कैसे दिखाई देते हैं, इसके बीज हैं वो इस तरह से कॉफ़ी बीन्स होती है, ये इसका प्लांट के फ्लावर होते हैं, इस तरह से ये पौधों पर लगती है। बिल्कुल जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स में टेस्ट सीरीज है वो, भाई इस बात का मेरे को ध्यान नहीं है, नहीं है शायद, एक बार मैं पता करके आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें टेस्ट सीरीज है या नहीं है, कल मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। अगला नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कॉफ़ी बीन्स जो है वो इस तरह से होते हैं, देखो। अगला आता है चाय। चाय है जिसके सब आप शौकीन हैं, चाय टी, जिसे कैमिला स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। चाय अगर आप रोज़ पीते हैं तो साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, चाय और कॉफ़ी अगर आप रोज़ पीते हैं तो इनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। चाय का साइंटिफिक नेम कैमिला स्पीसीज होता है। चाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैमिला स्पीसीज होता है। ये चाय का प्लांट होता है, इसकी पत्तियों को इकट्ठा करके क्या बनाई जाती है? चाय बनाई जाती है, और इस तरह से इसकी पत्तियों से चाय बनती है, इस तरह से आपको दिखाई देती है चाय। फिर नेक्स्ट तंबाकू जो होती है वो एक तरह की उद्दीपक फसल है। तंबाकू के किस तरह की फसल है? चाय और कॉफ़ी भी वैसे उद्दीपक आती है, लेकिन मुख्य रूप से तंबाकू जो है वो नशे वाली क्रॉप आती है। तंबाकू एक उद्दीपक फसल के रूप में जो है वो जानी जाती है। तंबाकू जिसे टोबैको भी कहते हैं, निकोटियाना टोबैकम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये तंबाकू की पत्तियाँ हैं, उनसे क्या बनाई जाती है? तंबाकू बनाई जाती है। तो निकोटियाना टोबैकम है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये आज की अपनी जो है वो, ये आप देख रहे हो, इस तरह से तंबाकू के पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। तंबाकू का प्लांट कैसा होता है? इस तरह से तंबाकू का प्लांट होता है, ऐसे इसके फ्लावर होते हैं, ये इसकी जड़ें होती हैं, और ये इसकी पत्तियां होती हैं, जिनको सुखाकर क्या बनाई जाती है? तंबाकू बनाई जाती है। इसके अलावा अफीम आती है, तंबाकू आती है, ये सभी कैसी फसलें हैं? अफीम का साइंटिफिक नेम पेपरवर सोमनीफेरम होता है। ये कैसी फसलें हैं? उद्दीपक फसलों के रूप में जानी जाती हैं। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आज अपन ने जो है वो एग्रोनॉमी की सारे डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके सबके साइंटिफिक नेम देखे, उनका आइडेंटिफिकेशन देखा कि कौन कैसे दिखाई देती है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा, अपन कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में, अभी आप सब लोग कह रहे हैं, सब लोगों के हॉर्टिकल्चर की डिमांड आ रही है, तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसके अलावा जितने भी जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन सब के जो है वो आपको साइंटिफिक नेम है वो आप लोगों को बताऊंगी। इनकी बेसिक जानकारी कैसे, इनका आइडेंटिफिकेशन है, ये सब चीज़ें हैं अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी किसी के और भी कोई क्वेरी हो, और किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं, क्या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डालें। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कल की क्लास अपनी हॉर्टिकल्चर की, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी उसको ज़रूर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए।
वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू। नकदी फसलें, रोकड़ फसलें जिनको कहते हैं, हाँ, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ICR का सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑनलाइन कूपन है, क्या करें भाई, जो फीस मैंने डिस्काउंट कर दी है। आपका कोई भी अगर कमेंट है, कोई भी चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, संस्थान के द्वारा प्रॉपर जो जवाब है उसका दिया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई एनर्जी और नए उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।